अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान, आप देख रहे हैं इमरान डेली लाइफ। आज शेखपुरा में हरम मनाते में मौजूद हूं। आप देख रहे हैं कितना प्यारा व्यू है पीछे। ये एक तारीखी जगह है जिसका आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, किताबों में भी लिखा हुआ है। तो मज़ीद मैं आगे जाके बताऊंगा इसके बारे में। तो चलें चलते हैं आगे, मैं आपको पूरा विज़िट करवाता हूँ हरम मनार का। आ जाए, ये हरम मनार की एंट्रेंस है, ये वो सामने टिकट घर है। यहाँ से फ़ी टिकट जो है 50 रुपये का मिलता है। 10 साल 6 साल के बच्चों का भी टिकट लेते हैं। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बड़ी अच्छी बात है। चंद सालों पहले हरम मनार की ये सूरत हाल नहीं थी जो अब दिखने में नज़र आ रही है। अब तो माशाल्लाह खूबसूरत ट्रैक बन चुके हैं अंदर सैर के लिए। देखें मिनी जो है वो कन्वेस वगैरह की भी सहूलत है, मतलब आप इस पे बैठ के सैर वगैरह कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। पहले तो ऐसे ही था जैसे वो मुग़ल बादशाह वगैरह छोड़ के गए थे, उसी तरह चलता आ रहा था। मगर अब इसको डेवलप किया है, इसके ऊपर काफ़ी काम किया है, पैसा खर्च किया है, तो बड़ी अच्छी बात है। इस तरह लोगों का भी अब रुझान ज़्यादा हो गया है। साफ़ सुथरी जगह है, अब खूबसूरत लगती है। हरम मनार कभी शहनशाह जहांगीर की शिकारगाह थी। लाहौर से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर ये तारीखी मकामात जो हरम मनार है मौजूद है। लाहौर से यहाँ आने के लिए आप मोटरवे या हाईवे अपनी सहूलत के मुताबिक कोई भी रास्ता मुंतखब कर सकते हैं। तारीख शाहिद है कि मुग़ल बादशाह जिस रस्ते से गुज़रे या जहाँ यहाँ ठहरे वहाँ अपने नक्श सब्त करते चले गए। बरतानवी दौरे हकूमत में अंग्रेज़ सयाहों ने और मौजूदा हकूमत ने इसकी दिल खोल के तारीफ़ की और इसको इंसान और जानवर की मोहब्बत का बेहतरीन नमूना करार दिया। हरम मनार सूबा पंजाब ज़िला शेखुपुरा साबका जहांगीरपुरा में वाक़िया है। जहांगीर की माँ अपने बेटे को प्यार से शेहू पुकारती थी, तो उस मुनासबत से इस शहर का नया नाम शेखुपुरा रखा गया। इसके अंदर ख़ूबसूरत जगह जगह बागात भी मौजूद हैं जो बड़े ख़ूबसूरत और साफ़ सुथरे हैं। आज का मौसम भी बहुत दिलकश है, तो मैंने वॉक करते हुए बहुत इंजॉय किया और मैं खुश था यहाँ पर आकर। वैसे तो अक्सर यहाँ पर चक्कर लगता रहता है, आज सोचा आपके लिए वीडियो बनाऊँ मैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोग जो है ना दूर दराज से मकामी लोग भी आते हैं सैर के लिए, ख़ासकर छुट्टी वाले दिन। ये आप सामने देख रहे हैं खूबसूरत झील है ये हरम मनार की, और साइडों पर बाग हैं। ये झील जो है इसकी मतलब बड़ी दिलकशी और ख़ूबसूरती का मुजाहरा करती है। जहांगीर बादशाह के पास एक हंस राज नामी हिरन था जिसे वो बेहद पसंद करता था। वो हिरन मर गया तो बादशाह ने उसकी कब्र पर एक मीनार तमीर करवाया जिसका नाम हरम मनार पड़ गया। ये हिरन जहांगीर बादशाह को शिकार खेलते हुए मिला जो बहुत मासूम और ख़ूबसूरत था। उसने इसको अपने साथ लिया और अपने शाही जानवरों में इसको शामिल कर लिया और इससे मोहब्बत करता था ख़ास। अब ये जगह लोगों की तफरीगाह बन चुकी है, यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर जो ये झील नुमा है यहाँ पर बोटिंग भी होती है, लोग इंजॉय करते हैं। और यहाँ आने वालों को मैं ख़ासकर कहूँगा कि सफाई का ख़ास ख्याल रखें, जगह जगह कचरा नहीं फैलाएं। ये हरम मनार है जिसके बारे में ज़िक्र कर रहा था, इसकी तकरीबन 90 फीट हाइट है और 100 के लगभग इसकी सीढ़ियाँ हैं। तो ये काफ़ी दिलकश मंज़र पेश करता है। ये मीनार जब तमीर किया गया था तो इसकी तकरीबन 130 फीट हाइट थी, फिर किसी हादसा या जलजला की वजह से ये इसका कुछ ऊपर वाला हिस्सा गिर गया। अब इसकी तकरीबन 90 से 100 फुट के करीब हाइट रह गई है। इसी मीनार के रास्ते बाएं जानब बच्चों के लिए एक जो चीज़ इन्होंने ऐड की है यहाँ पर, माशाल्लाह इन्होंने ना हिरन जो है ना वो ला के रख दिए हैं, तो ये एक चीज़ ऐड की है जो कि पहले नहीं थी।
तो ये बच्चों के लिए यहाँ पर इन्होंने देखें ये एक अच्छी जगह बना के यहाँ पर जो है ना कुछ हिरन वगैरह छोड़े हैं, जिससे बच्चे भी देख के खुश होते हैं। यहाँ तो बच्चों ने हिरन से दोस्ती कर ली है। यहाँ पर जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले हिरन यहाँ पर नहीं थे, तो बच्चे खुश हो गए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों ने भी दोस्ती कर ली आज, जैसे जहांगीर बादशाह ने भी दोस्ती की थी। ये जी हिरन मनार की हिस्ट्री नसब है, बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर हिरन मनार के बारे में, जो हिस्ट्री है इसके ऊपर जो वो सारी इस बोर्ड पर लिखी हुई है। ये बोटिंग एरिया है, यहाँ पर लोग बोटिंग वगैरह करते हैं। शाम का वक्त होने को है। यहाँ सब आने वाले लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो है ना कचरा वगैरह फैलाने से परहेज़ करें। देखें पानी में कितनी मतलब लोगों ने बॉटल्स वगैरह फेंकी हुई हैं, तो ये इससे अच्छा नहीं लगता और गंदगी पैदा होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मैं किसी वीडियो के साथ हाज़िर हो जाऊँगा। खुदा हाफिज़।